दोस्तों, इस दुनिया का हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है। कुछ बड़ा करने की चाहत में ही ज्यादातर लोग अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और एक के बाद एक छोटे छोटे सुनहरे अवसर उनके हाथ से निकलता चला जाता है। उन्हें छोटे से शुरुआत करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। वे भूल जाते हैं कि हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। स्वामी सत्यदेव एक घुमक्कर और बेरोजगार व्यक्ति थे। उनके पास पर्याप्त पैसा न होने के कारण उन्होंने अमेरिका की यात्रा का निश्चय किया। वे अमेरिका जा रहे एक पानी के जहाज में सवार हो गए। अपना खर्चा चलाने के लिए उन्होंने जहाज में बर्तन मांजने की नौकरी कर ली और ओमान पहुंच गए। एक दिन सत्यदेव जी सुबह की सैर करने के लिए निकले, तभी अखबार बेचने वाला एक छोटा सा लड़का उनके पास आया और बोला, सर, क्या आप आज का अखबार खरीदना पसंद करेंगे? सत्यदेव जी ने मना कर दिया तो लड़के ने फिर कहा, सर, इस अखबार में अच्छी अच्छी खबरें हैं और दाम भी बहुत कम है। सत्यदेव ने फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। इस पर लड़के ने कहा, सर, आप अखबार ले लीजिए, वरना एक दिन की जानकारी के मामले में आप काफी पीछे रह जाएंगे। सत्यदेव जी को लड़के की बातें अच्छी लगी। उन्होंने सोचा शायद किसी मजबूरी में यह लड़का अखबार बेच रहा है, और उन्होंने उससे एक अखबार खरीद लिया। फिर उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता बहुत ही गरीब है जो तुम इतनी छोटी सी उम्र में अखबार बेच रहे हो? सत्यदेव की बात सुनकर लड़का नाराज होता हुआ बोला, मेरे माँ बाप गरीब नहीं है, मेरे पिता तो नगर पालिका में है। सत्यदेव जी ने पुनः पूछा कि फिर तुम अखबार क्यों बेचते हो? लड़का बोला, मैं अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी से काम करने की आदत पड़ जाए, ताकि भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होने में कोई कठिनाई न हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह छोटा सा लड़का कौन था? वह वॉरेन बफेट था, जो आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। दोस्तों, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि जब जूते का काम करके कोई बाटा और लोहे का काम करके कोई टाटा बन सकता है, तो फिर आप क्यों खाली बैठे हो? आज से ही शुरुआत करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें।